एक्शन। टन 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 तारा चलती है तू अजीज धत तेरे की कौन आसन। शुक्र है अल्लाह को, कैसा अजीब इत्तेफाक है, मुद्दत के बाद मुलाकात, वो अभी दिल्ली में। मगर यार अजीज, तू ब्राह्मण कब से बना? खामोश खामोश। मुझे पहले शुभ हो गया था, जो शख्स खुली अदालत में सुल्तान से नाक रगड़वा सकता है वो बाहर आने में क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहा है? ऐसे फकर का लायक काम के बाद भी यूं लोगों से मुंह छुपा रहा। मैं भी पलथी मार के बैठ ही गया कि आखिर इस अजूबे का दीदार कर ही लूं। हाँ देखा तो निकले अपने यार जनाबे अली अजीज। मगर यार तुझे इतना भी पता नहीं कि ब्राह्मण लोग गठरी में खंजर छुपा कर नहीं रखते? खामोश खामोश। अगर कहीं मेरी ब्राह्मणियत का राज फाश हो गया तो मैं मारा गया, मगर तुम क्या कर रहे थे यहाँ? जहां भी हो भीड़ भड़का, हाजिर है ये चोर चक्का, देख लेना आज की गाड़ी कमाई। यानी साहब जादे की बचपन की आदत अभी छूटी नहीं? आदत नहीं यार, पेशा कहो पेशा। इतनी रकम उड़ाई मजा ले जाए किसी का शक भी हुआ हो। और रकम रखने के मुंह का माद इस खुदा ने भी नहीं देखे हूँ। पगड़ी के तल्लो में सांपों को सलवटे में लाम के गाल आज तीनों के चोर जेबों में। खैर मैं तो रहा बटमार का बटमार, तुम्हारा क्या सगल चल रहा? मामला तो बड़ा गहरा लगता है, खेरे का धोबी दिल्ली में ब्राह्मण लंबा चक्कर होगा। किसी से कहना मत। नहीं कहूंगा, लेकिन साझेदारी करनी होगी। साझा हो तो अपना मुंह बंद, वरना खैर पहले तुम्हारी कपट कहानी का बयान हो जाए। चंद रोज हुए, मैं करीब के गांव में मैले कुचले कपड़े बटोरने गया हुआ था। बड़ी कष्टहाली का दिन था, न पेट में दाना न जेब में कौड़ी, परेशान सूरत घरे का बोझ लादे हम चले जा रहे थे। उसी वक्त ढिंडोरे की आवाज से मेरे कान खड़े हो गए। हमारे सुल्तान की तख्त नशीनी की दूसरी सालगिरह पर शाही ऐलान हो रहा था कि हक पसंद सुल्तान की तरफ से किसी भी रायत पर कभी भी कोई जुल्म ज़ुल्म हुआ तो हाकिम अदालत से फरियाद करने की इजाजत होगी और फरियादी को सही इंसाफ मिलेगा। गरीब गुरबा अमीर उमरा कोई भी बिना खौफ अपनी फरियाद अदालत में पेश कर दे। बस मुद्दे सुस गवाच उसकी मसल सुनी है ना, मुझे अपने गांव की विष्णु प्रसाद वाली वारदात याद आई जिसकी जमीन को सुल्तान के कारीगरों ने कभी जब्त कर लिया था। ठहर गया फौरन मुंड मुंडा लिया और बन गया ब्राह्मण, नाम भी विष्णु प्रसाद ही बताया। फिर दूसरे ही दिन असली विष्णु प्रसाद से हम नकली विष्णु प्रसाद ने वो जमीन खरीद ली। हद हो गई, जब्त की जमीन की खरीदारी कैसे? यही सवाल अहमद प्रसाद ने भी किया था। मैंने उसे कहा तुम महज अपनी जमीन की मिल्कियत मुझे बेच दो और 10 अशिद्या गेट के रख दी सामने, गरीब कब हो खुला का खुला रह गया। उसी हालत में मैंने उसके मिल्कियत निकाली। सोचता होगा कि जमीन तो गई ही है, अशिद्या क्या छोड़ू। उसी दिन उसे खुला मुंह वही छोड़ उसी दिन दिल्ली दौड़ आया और अपने इंसाफ पसंद सुल्तान के खिलाफ नालिश ठोक दी। मगर ऐ ठोगे के उस्ताद, अगर कहीं सुल्तान को तुम्हारी इस कपट कहानी का पता लग जाता तो एक बात अभी मैं नहीं समझा, आखिर तुम ब्राह्मण ही क्यों बने? जाहिर है सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को साबित करना था, अपनी रियाया पर यह जाहिर करना था कि वो हिंदुओं के साथ भी बराबरी का सलूक बरतते हैं। अगर मैं मुसलमान होता तो सुल्तान इस सुनहरे मौके से महरूम रह जाते। सुल्तान भी मुसलमान हो फरियाद भी मुसलमान हो तो सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी जाहिर करने का मौका कहां मिलता। अब एक ब्राह्मण पर सुल्तान की दरियादिली की बारिश हुई तो सुल्तान खुश। अब आम क्या तुमने यहाँ इकट्ठे हुए लोगों की तरह तरह की बातें नहीं सुनी? बाप रे बढ़ती गर्दमी दिमाग है तुम्हारा। खैर ये सब मैं समझ गया, मगर ये बताओ इसमें मेरी क्या साझेदारी रहेगी? सुना है कि दिल्ली के आवाम को दौलत पर रवाना करने के लिए सुल्तान को बहुत मुलाजिमों की जरूरत है। मुझे तो मुलाजिमत मिल भी चुकी है,
खालिस हिंदू हो ना, अब तुम भी चलो मेरे साथ। ब्राह्मण के साथ मुसलमान को देखकर भोले सुल्तान भी भाग भाग हो जाएंगे। ना बाबा, मेरी तौबा ऐसी शाही मुलाजिमत से। डरो नहीं दोस्त, दिल मजबूत रखो। फिर देखो दौलत और बात पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास दौलत की रेल पेड़ हो जाएगी। उसके बाद बात की बात बात को, कल की फिक्र में आज दुबला होने की क्या जरूरत। चलो दोस्त चलो।